हाँ मत्तू आइए सर, मैम आइए, थोड़ा और आगे, बस 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 सर, मैम यहाँ पे होल्ड कीजिए। नाइस लुक सर। हाँ सर, यहाँ पर देखिए सेंटर में एकदम, मैम यहाँ पर सेंटर। यस बोतो की लुक क्या, यस बोतो की लुक क्या, लुक क्या भाई सर, आपके लेफ्ट के दोनों। थैंक यू सर। ये वाला कैमरा मैम, ये वाला कैमरा देखिए। थैंक यू। ओके, यार की शादी है, यार ने काफ़ी वेट किया, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज के दिन के लिए? ये तो बहुत एक्साइटेड होंगी, इनकी फ्रेंड है मुनीषा कोटवानी और इन्होंने कहा आप मुझे चलना है। मैं भी ऑलरेडी जानता हूँ मुनीषा को, हम लोग कई बार मिल चुके हैं, घर पे आ चुकी हैं, तो सवाल ही नहीं था कि शादी जैसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस करें। मुनीषा इज़ अ वंडरफुल गर्ल, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी लड़की है। इस दिन का हम सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि बार बार हो रहा था कि अच्छा 2020 में है, 21 में है, 23 में है, 24 में है, फाइनली 22 में हो गई, क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। एंड सैम इज़ ऑल्सो वंडरफुल, बहुत 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 अच्छा इंसान है। So we are here to wish them all the luck, all the best, and lots of happiness in life. Absolutely. Okay, so as this couple has waited for very long time, what is the first thing you are going to tell them once you will go in? I'll tell them to just leave the Bombay city as soon as possible after getting married. Yeah, and go for a long honeymoon. Yes, because Bombay mein shor sharaba kafi hai, to shaadi ke baad kuch din sukoon ke bahut important hai. So we'll tell them, जाओ और अब जी लो अपनी जिंदगी। Okay, so as we all know, ma'am is a tarot card reader. Yeah. So कभी आपने कार्ड उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं, अक्सर करवाती रहती हूँ। वो तो फायदा उठाएगी ना ये कम से कम। सर आपने करवाया कभी? नहीं मैं तो सर के लिए मैं करवा देती हूँ, मेरे लिए यही करवा, सर के लिए मैं करवाती हूँ, एंड शी इज एक्सीलेंट विद हर जॉब। एंड व्हाट वाज द वन थिंग व्हिच वेंट राइट इन मैम टोल्ड यू? Not one thing, there were a lot of things. I mean, in overall when she says, you know, there was that, you know, this is going to happen, this is good going to happen, these months it's going to happen, it does happen. She is very great at her job, and I think aap sare log bhi tarot carding kara lijiye Meesha se, jaise hi wo shaadi ke baad free ho aap log bhi karaiye sab. Ye dekhiye friend ho to aisa. Haan, kya publicity kar rahi hai apne dost ki. Thank you so much everybody. One, can you just click from my phone? मैम रुकिए ना, एक शहनाज मैम रुकिए, मैम सर सेंटर। Finally the day has come, जिसके लिए काफी वेट किया था उन्होंने। Yes. वो लोग काफी excited, आप लोग कितने ज्यादा excited हो? हम लोग भी एक्साइटेड ही होंगे ना। मेरी शादी नहीं है, मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम आई थिंक मैं मुनीषा को 2006 से जानता हूँ, और आई थिंक मैं इस लड़के को आई थिंक 5 साल से जानता हूँ, चार साल से। सो आई थिंक 4 साल इज़ अ लॉन्ग वेट फॉर एनी वन टू गेट मैरिड एंड टू गेट हिच्ड। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस के फाइनली दे फाइनली बोले तो उनके बीच में लड़ाई की वजह से फाइनली शादी कर रहे, वैसे नहीं है,
लेकिन कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड बेचारे अटक गए थे बहुत बुरी तरह से, और इतने सारे चेंजेस हुए थे वेन्यू, दिस डिसीजन, दैट डिसीजन, सो आई एम श्योर दे आर आल्सो सो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे यू नो इन बिटवीन. व्हाट डू यू वांट टू से एज अ लवली कपल, व्हाट द कपल आर हियर, व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू से? वेल, हाल ही में हम लोग गोवा गए थे एंड बैचलर पार्टी के लिए, हमारी एक किटी पार्टी है तो मनीषा के लिए हम लोग नहीं ऑब्वियसली गर्ल्स ही है सो हम लोग गोवा गए थे एंड ऑल आई वांट टू से इज यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कभी कभी वर्क नहीं कर जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि यू नो वो यहाँ पे समीर यहाँ पे नहीं है. सैम वुड कीप कॉलिंग और बहुत अच्छे से, अगर वो बिजी थी, हम लोग पार्टी कर रहे थे, सो यू थिंक ओके ओके यू नो बेबी हैव फन डू दिस यू नो, वही टॉक्स को देख के सुन के एंड वी हर्ड इट फॉर 3 डेज, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड टू दिस मैन, बिकॉज इवन लॉन्ग डिस्टेंस दे कुड मेंटेन द रिलेशनशिप. यू नो वो उसे बहुत स्पेस देता है, कभी कभी तो वो बोलते हैं ओके नाउ बस आई डोंट वांट टू टॉक यू नो आई एम बिजी, सो ऐसा कभी भी कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं. देयर आर कपल मेड फॉर ईच अदर, आई जस्ट गॉड ब्लेस देम, दैट्स ऑल. नजर नहीं लगनी चाहिए. थू थैंक यू, थैंक यू सो मच, या थैंक यू. रोहित यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, टेल अस समथिंग अबाउट योर लुक. वेल, आज का जो लुक है मेरा थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से यू नो आई हैड नॉट बीन एनी मैरिज, बिकॉज जितने भी मेरे रिश्तेदार या यू नो कजन्स की शादी थी, आई वॉज शूटिंग हियर और एल्स यू नो द कोविड वॉज देयर, तो मौका ही नहीं मिला कहीं जाने का. और बहुत लंबे टाइम बाद अब मैं किसी की शादी में आई हूँ, फ्रेंड की शादी है, मनीषा की शादी है, वेरी हैप्पी. और मैंने सोचा यू नो खुशी का मौका है तो एक हैप्पी कलर पहना जाए, सो आई एम वेरिंग माय फेवरेट कलर पर्पल एंड आई लव माय लहंगा. ओके, सो ये कपल की बात करें, काफ़ी इंतजार किया, द लॉन्ग वेट, फाइनली द डे हैज कम, सो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम वंस यू विल गो इन? काफी बार मिली हूँ पहले भी, लाइक मनीषा को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, शी इज अ फ्रेंड एंड यू नो देर अ लवली कपल एंड टुडे दे आर यू नो ट्राइंग देयर नॉट, सो ऑल द बेस्ट टू देम, मे दे हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड टुगेदर एंड बहुत सारी गुड विशेस होंगी यार. ओके, सो व्हाट इज द वन थिंग बेस्ट of this couple, agar kuch bhi ho aisa? I think they look very lovey-dovey and cute together aur caring hai dono, you know they care for each other, they are there for each other and they're cute together. Okay, so we all know ma'am is a tarot card reader, to kabhi aapne apne लाइफ में कुछ कभी बहुत बार किया है मनीषा ने, मेरा कई बार किया है, इनफैक्ट वंस इट वाज ऑन कैमरा फॉर अ शो एंड मेनी टाइम्स बिहाइंड द कैमरा एज वेल. एंड कभी कुछ रिजल्ट, एनी रिजल्ट व्हिच शी इज वेरी गुड एट इट, शी इज वेरी गुड एट इट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.